the writer, the producer, the actor of this film, Ms. Avani Modi, on stage. Avani ji has been awarded with, you know, lot of awards, and her debut film, which was Carry On Kesar, has got, you know, a lot of accolades and awards from the Gujarat government as well and at international festivals. So with them, we would also like to call the other cast of this film. Please welcome on stage Mr. Pitobhas Tripathi, Mr. Vikram Kochar, and Mr. Tarun Khanna. चलिए तो अब मेन टीम आ गई है स्टेज पे. लेट्स यू नो फर्स्ट आस्क फ्रॉम द डायरेक्टर मिस्टर शुभ्रांशु सर, इज ही आल्सो पार्ट ऑफ राइट नाउ टुडे. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इफ देयर इज एनीवन हु आई हैव नॉट मेट येट फ्रॉम द टीम. शुभ्रांशु सर आई नो इज समवेयर हियर. मार्क इज हियर समवेयर. पेरी जी. Yeah, so ladies and gentlemen, Mark, my music director for this song, composer. Perry ji, who has sung the song, is not here at this moment. He's on his way from Pune, should be here any moment. And Subhranshu ji, the man behind the magic, someone who's been right throughout with us, and our DOP, cinematographer, and a great soul above all. सुनता है डायरेक्टर की, लेकिन प्रोड्यूसर होने के नाते डायरेक्टर को एक्टर की सुननी पड़ती है, और साथ ही में प्रोड्यूसर होने की वजह से. बट यस, तो पहले वही आंसर देते हैं. प्रोड्यूसर हूज आल्सो अ राइटर. कांग्रेचुलेशंस जिस हिसाब से आप फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं और ट्रेलर भी अच्छा लग रहा है. ऑफ कोर्स आप मोदी जी की बेटी हैं, लेकिन मोदी जी बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे देश के, और क्योंकि फिल्म उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इतनी बड़ी शख्सियत है तो कहीं ना कहीं एक तरह का यू नो सेंटिमेंट्स को हर्ट होने की भी चांसेस होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं. तो कहीं इसका भी कोई डर है, या फिर या इसी को ही आप एक कहते हैं कि मजबूती के साथ लेकर आगे चलने वाली फिल्म को? सर ये जब मैंने ये फिल्म लिखी, ये कॉन्सेप्ट जब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने एडी सर के साथ सबसे पहले यही इशू डिस्कस किया था कि दिस इज़ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, इसको बहुत ही हैंडल विद केयर हमें लेके चलना पड़ेगा. और रहा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं खुद मोदी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इमेज है उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बहुत पहले से है. और हम बहुत हर एक गुजराती और हर एक मोदी समाज का हर एक इंसान बहुत प्राउड करता है मोदी जी के ऊपर, और वो हमेशा रहेगा उनके ऊपर. तो जब मैं खुद इस फिल्म में इन्वॉल्व हूँ, तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट इस फिल्म के ज़रिए हो नहीं सकता कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी की इमेज को नुकसान हो. बल्कि बहुत प्राउड से, बहुत स्ट्रांगली मैं मैसेज दुनिया को देना चाहती हूँ कि देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी थी, है और हमेशा रहेगी. एरी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म में तो चलिए कॉमेडी के साथ आप सारी बातें बता रहे हैं, मोदी जी की बहुत सारी यू नो कहेंगे कि उनके बातें भी है, और क्या उसको भी आपने दिखाने की कोशिश की है फिल्म के अंदर? ये तो फिल्म देखने पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं वो आप आज ट्रेलर देख के पूछ रहे हैं. देखिए, एक अच्छी फिल्म बनाई है वो मैं कहूँगा तो नहीं है, आप लोग बोलें वो अच्छा रहेगा. बाकी हाँ, मुद्दे हैं जो कि हमारे समाज के मुद्दे हैं, इस देश के मुद्दे हैं, वो मुद्दे मोदी जी ने आहिस्ता आहिस्ता इस देश के लिए जागृत किए. वंस दे हैव कम अप टुडे, सेम थिंग्स इन रेफरेंस एट सर्टेन प्लेसेस यू मे फाइंड, बट दैट इज नॉट टू बी मिस्टेकन. आई वुड जस्ट से दिस इज नॉट टू बी मिस्टेकन एज अ पॉलिटिकल फिल्म. Thank you.